मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज शहर पहुंचे और वे बंग समाज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बंग समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में कैंट विधायक अशोक रोहाणी सहित भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर सहित बंग समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री ने बंग समाज के लोगों से विस्तृत चर्चा की। और संत हमें याद करें, ये सौभाग्य होता है। हम संत के आश्रम पर चल के जाएं, ये परम भाग्य होता है। और संत हमारे बीच चल के आ जाए, ये महाभाग्य होता है। और इतने पर भी अगर हम ना समझें तो ये दुर्भाग्य होता है। ऐसी मेरी मान्यता है। संत का आना और बसंत का आना मैं एक से ही मानता हूँ। बसंत जब आता है तो नई कोंपलें आती हैं, नई पत्तियां आती हैं, और संत जब आते हैं तो नई संस्कृति आती है, नई सभ्यता आती है, नए विचार आते हैं, नए जीवन में तीन लोगों का बड़ा महत्व है, माँ, महात्मा और परमात्मा। पर इसलिए परमात्मा है, माँ है, महात्मा है, सब कुछ पास में। ऐसे समय निवेदन करने आया हूं, जो बात उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिक्र कर दिया। ये विचार भी उस दिन हम पश्चिम बंगाल में थे जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हमला हुआ। मेरे मन में रास्ते में लौट रहा था, जब रहते हैं बंग समाज के लोग, और इस समाज की विशेषता यह है कि जहां भी है बड़े शालीन और सभ्य रूप में पहचाना जाता है और जाना जाता है। इसकी अपनी एक पहचान, इसकी विनम्रता की, इसकी सादगी की। जी हमारे भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री है, उनसे विचार हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा अपनी उपस्थिति का तो एहसास कराओ। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख कई जगह सबसे आह्वान किया, निवेदन किए, प्रार्थना की है कि बंगाल में सभी अपने रिश्तेदार नातेदारों को फोन कर। मैंने कहा है कि चलो एक रेल ले चले, सबने सहमति दी है। तपंदा देख रहे हैं, उसको तपंदा बताएंगे।